हेलो हेलो, क्या हाल चाल? वेब मोशन कुछ अच्छे सवाल है, उसको करा दे रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहे हैं कि ट्यूनिंग फॉर विद फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं कि 8 हर्ट्ज कह रहे हैं कि ट्यूनिंग फॉर इसका फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है। कह रहे हैं कि प्रोड्यूस रेजोनेंस इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विथ अपर एंड लोअर एंड टू क्लोज द वाटर। देखो, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब क्या होता है? रेजोनेंस कॉलम ट्यूब होता है कि मान लीजिए कोई ट्यूब है, ठीक है? क्या है? ट्यूब है। आपने क्या किया, इस ट्यूब में वाटर भर दिया। आपने क्या किया, इस ट्यूब में वाटर भर दिया, ठीक है? इसे बोलते हैं रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, ठीक है? और यहाँ पर हम एक ट्यूनिंग फॉर्क रखते हैं, मतलब एक मतलब ट्यूनिंग फॉर्क साउंड प्रोड्यूस के लिए रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूनिंग फॉर्क को करते हैं वाइब्रेट। इस ट्यूनिंग फॉर्क करते हैं वाइब्रेट, यहाँ से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है या फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। इस ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रिक्वेंसी होता है, वो फ्रिक्वेंसी ये जो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है, इस रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का जो एयर वाला पार्टिकल है, एयर वायर, ठीक है, जो एयर वाला पार्ट है, इस एयर वाला पार्ट का जो एयर पार्टिकल होते हैं वो रेजोनेंस करते हैं इस ट्यूनिंग फार के फ्रिक्वेंसी से। हम इस ट्यूनिंग फार को वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है या फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। वो फ्रिक्वेंसी इस एयर कॉलम के फ्रिक्वेंसी से क्या करती है, रेजोनेंस करती है। इसमें जो एयर पार्टिकल है, इस जो एयर कॉलम है, जो एयर पार्टिकल्स है उनका जो फ्रिक्वेंसी होता है, इसके फ्रिक्वेंसी से रेजोनेंस करता है। तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस लेंथ ऑब्जर्व होता है। तो ध्यान रखना, जो एनथ रेजोनेंस का लेंथ होता है वो होता है एन एनथ। उसका फार्मूला होता है एनथ रेजोनेंस लेंथ का लेंथ होता है 2n, ध्यान से देखिएगा, 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 4। ये होता है लेंथ एनथ रेजोनेंस का, ठीक है? अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 डाल दें, अगर इसमें हम n की वैल्यू 1 डाल दें तो फर्स्ट रेजोनेंस का लेंथ मिल जाएगा। इसमें जरा देखो, n की वैल्यू 1 डाल दो आप, एन को जब एन डालोगे तो L1 मिलेगा। L1 की वैल्यू कितना आ जाएगा बताना। अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 2 × 1, 2 − 1 कितना आ जाएगा, 1 × λ/4। तो जो L1 वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, λ/4। यह आ जाएगा फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ, मतलब फर्स्ट रेजोनेंस का ही लेंथ है ये। अगर एन की वैल्यू हम 2 डाल दें, एन की वैल्यू अगर हम 2 डाल दें तो मिलेगा हमको क्या, L2। क्या मिलेगा, L2। मतलब अगर यहाँ एन को 2 डाल दोगे तो 2 × 2 = 4, 4 में 1 घटाओ कितना आएगा, 3, मतलब 3 λ/4। ये इसको हम बोलते हैं सेकेंड रेजोनेंस लेंथ। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ, इसको बोलते हैं सेकेंड रेजोनेंस लेंथ। अच्छा, L2 में से L1 घटाओ आप, L2 में से आप L1 को जरा माइनस करिए, L2 − L1 कितना हो जाएगा बताओ जरा, 3 λ/4 − λ/4, ठीक है? कितना आ जाएगा ये, λ/2। कितना आ जाएगा, λ/2। अगर L2 में से L1 घटा दोगे तो आ जाएगा λ/2। एक चीज समझिएगा, जो सक्सेसिव रेजोनेंस लेंथ का जो डिफरेंस होता है, सक्सेसिव रेजोनेंस लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो होता है λ/2। सक्सेसिव मतलब ये होता है कि अगर हम L3 में से घटा दें L2 को, ठीक है, इसका डिफरेंस बराबर होता है, L2 में से घटा दो आप L1 को, ठीक है, ये होता है बराबर होता है, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, λ/2। मतलब सक्सेसिव लेंथ, मतलब अगर L4 में से L3 घटाओगे तो λ/2, L5 में से L4 घटाओगे तब भी λ/2, लेकिन अगर हम कह दें कि L4 में से L2 घटाओ तो λ/2 मिले, वो सक्सेसिव जो है रेजोनेंस सक्सेसिव लेंथ नहीं है। सक्सेसिव रेजोनेंस लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका λ/2, याद रखिएगा, ठीक है? सवाल इसी पर रहिए, कहीं उन्होंने बोला हुआ है कि जो है सक्सेसिव रेजोनेंस लेंथ और ऑब्जर्वेड लेंथ इतना इतना करें, आप इसमें से इसमें घटाओ चाहे इसमें से इसमें घटाओ, दोनों को वैल्यू सेम आएगा। जरा घटाइए आप, L2 − L1, इसको आप L2 मान लो, इसको आप L1 मान लो, तो 31.25 माइनस कर दीजिए आप कितना, 9.75 घटा दो आप, ठीक है, बराबर क्या लिखोगे, λ/2, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा, 21.5 कितना आ जाएगा, 21.5 बराबर λ/2। आप इसमें से इसमें घटाइए तब भी 21.5 आएगा, आप इसमें से इसमें घटाइए तब भी उतना है, कितना, 20.5, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ कि जो है लेंथ है सक्सेसिव रेजोनेंस लेंथ है। यहाँ से बताओ लेमडा वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, लेमडा वैल्यू आ जाएगा 43 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करिए, 10^-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मीटर में। तो यहाँ से लेमडा वैल्यू निकल जाएगा कितना, 43 × 10^-2 मीटर। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ जो साउंड का स्पीड होता है वी, साउंड का जो स्पीड होता है वी, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी किसका, इस एयर कॉलम का, इस एयर कॉलम का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही, मतलब जो इस फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर का होगा, इस ट्यूनिंग फॉर का फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ कितना, 800 हर्ट्ज, वही फ्रीक्वेंसी होगा इस एयर पार्टिकल का या एयर कॉलम, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहे हैं। तो आप यहाँ रख दीजिए वी बराबर 800 फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ अभी भी निकाला कितना है, वेवलेंथ 43 × 10^-2 यहाँ रख देंगे, तो 43 × 10^-2 इसको सॉल्व करोगे तो वी इक्वल हो जाएगा, देखो ये पूरा कट जाएगा 2 जीरो, क्या जाएगा, 344 मीटर पर सेकेंड, मतलब 344 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा साउंड का स्पीड जो प्रोपगेट कर रहा है इस एयर कॉलम में, मतलब इस एयर कॉलम में जो साउंड जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा उसकी वैल्यू 344 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहे हैं कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन आर्गन पाइप, कह रहे हैं कि इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज आर्गन पाइप। देखो आर्गन पाइप जो सवाल बनता है वो मैक्सिमम साउंड वेव से बनता है, ऑर्गन पाइप का सवाल बनता है, ध्यान से रखना। कह रहे हैं कि ओपन पाइप मतलब होता है कि दोनों एंड को आपने ओपन कर दिया, ठीक है, ऑर्गन पाइप है, दोनों एंड को ओपन कर दिया, ये ओपन आर्गन पाइप है। इस ओपन आर्गन पाइप का लेंथ आप मान लो L1, कितना मान लो आप L1, इस ओपन आर्गन पाइप का लेंथ L1 है। एक आप बना लीजिए क्लोज आर्गन पाइप। क्लोज आर्गन पाइप कहने का मतलब होता है कि एक एंड पर ओपन होता है, दूसरे एंड पर क्लोज होता है, ए वाला एंड ओपन है, ए वाला एंड क्लोज, इसे बोलते हैं क्लोज आर्गन पाइप। इस क्लोज आर्गन पाइप का लेंथ आप मान लीजिए L2, कितना मान लीजिए L2 मान लीजिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों एंड पर ओपन है तो इसमें जो हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है वो इवेन और ऑड, दोनों हार्मोनिक क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मतलब ये है कि इस ओपन एंड में इवेन और ऑड, ऑड इवेन और ऑड दोनों हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है, किसमें, जब दोनों एंड ओपन हो। लेकिन अगर एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है, या उसे बोलते हैं क्लोज आर्गन पाइप, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं। ऑड मतलब होता है 1:3:5:7, ठीक है। इसे बोलते हैं लोग फर्स्ट हार्मोनिक, इसे बोलते हैं लोग थर्ड हार्मोनिक, इसे बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, इसे बोलते हैं सेवंथ हार्मोनिक। ये जो फर्स्ट हार्मोनिक है ये n बराबर 1 पर प्रोड्यूस मिलता है या प्रोड्यूस होता है। ये जो फर्स्ट हार्मोनिक है ये n बराबर 1 पर प्रोड्यूस होता है, जो थर्ड हार्मोनिक है ये n बराबर 2 पर प्रोड्यूस होता है, और जो फिफ्थ हार्मोनिक है ये n बराबर 3 पर प्रोड्यूस होता है, और जो आपका सेवंथ हार्मोनिक है n बराबर 4 पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन आर्गन पाइप, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है ओपन आर्गन पाइप का होता है VY2L1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है ओपन आर्गन पाइप का। कह रहे हैं कि थर्ड आ कर रहे हैं कि ओपन आर्गन पाइप, कह रहे हैं कि थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज आर्गन पाइप। तो जो आपके ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ओपन आर्गन पाइप का nth हार्मोनिक का, जो फ्रीक्वेंसी होता है क्लोज आर्गन पाइप का वो भी nth हार्मोनिक का, nth हार्मोनिक का वो होता है, फार्मूला ध्यान रखिएगा, 2n-1 × V/4L2, ये होता है nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, जब पाइप एक एंड पर ओपन हो एक एंड पर क्लोज हो। हमसे कह रहे हैं कि कौन सा थर्ड बताओ जरा, ये था थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कितने प्रोड्यूस हो रही है, n बराबर 2 पर, तो उसमें जरा n बराबर 2 रख दो आप, तो आपको मिलेगा थर्ड हार्मोनिक, कितना मिलेगा थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी मिलेगा, कब, जब हम एन के वैल्यू कितना रख देंगे, दो रखेंगे तो मिलेगा थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो 2 या 4 में 7 घट जाएगा, कितना लगेगा 3 V/4L2, ये मिल गया आपका थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, और ये आपका मिल गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों, मतलब पाइप का जो है एंड ओपन हो। हमसे कह रहे हैं कि जो है इक्वल है, कह रहे हैं अच्छा इन्होंने दिया हुआ क्लोज आर्गन पाइप को जो लेंथ है L2 उसकी वैल्यू दिया कितना 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, कह रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द ओपन आर्गन पाइप, मतलब ये L1 बोले पूछ रहे हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर कर दीजिए, तो F थर्ड की वैल्यू के बराबर कर दीजिए, ठीक है, बताओ कितना V/2L1 बराबर हो जाएगा 3 V/4 × L2 बोले कितना भैया 20, ठीक है, दिया हुआ है कि ओपन आर्गन पाइप जो है इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक दिया हुआ है उन्होंने। बताओ ये वी से वी कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 × 20, इधर मल्टीप्लाई कर दो 3L1 की वैल्यू हो जाएगा आपका 40, ठीक है, 3L1 की वैल्यू कितना आ गया 40, तो बताओ यहाँ से L1 की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से L1 की जो वैल्यू आ जाएगा L1 लेंथ ओपन आर्गन पाइप का हो जाएगा 40 / 3, मतलब आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करिए तो आ जाएगा L1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 40 / 3, कितना आ जाएगा वजह बताना, यहाँ से देख लो तो 3 × 3 × 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है। हालांकि उन्होंने आंसर में 2 दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 × 3 बचेगा 10, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 1 लगाओगे 3 सेंटीमीटर, तो जो लेंथ हो जाएगा ओपन आर्गन पाइप का वो कितना हो जाएगा 13.3 सेंटीमीटर, आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट पार्ट। जो भी सवाल बने देखो, अभी अच्छा सवाल है NEET UG 2018 सवाल है, वो बनेगा आपका ओपन आर्गन पाइप क्लोज आर्गन पाइप, इसी पर मैक्सिमम बनता है साउंड वेव पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ ग्लास ट्यूब द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, देखो बोला इन्होंने, कह रहे हैं कि एडजस्ट बाय द वेरिएबल पिस्टन एट रूम टेम्परेचर, कह रहे हैं इतना है कि सक्सेसिव रेजोनेंस मिल रहा है, सक्सेसिव रेजोनेंस प्रोड्यूस हो रहा है 20 सेंटीमीटर और 73 सेंटीमीटर, तो मैंने जो फार्मूला बताया था सक्सेसिव रेजोनेंस लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है लैम्डा बाय 2, मतलब ये है कि L2 माइनस L1
की वैल्यू लेमडा बाई टू, एल टू ही नहीं आप एल फोर माइनस एल थ्री कर सकते हैं, एल फाइव माइनस एल फोर कर सकते हैं, एल सेवन माइनस एल सिक्स करते हैं, उसका वैल्यू भी लेमडा बाई टू ही आएगा, उससे अधिक मतलब उससे ज़्यादा मतलब उससे कम नहीं आएगा। तो एल टू को मान लो कितना, मान लो 73, इसको मान लो एल टू, इसको मान लो एल वन, तो यहाँ रख दो जरा 73 माइनस कितना आ जाएगा 20 बराबर कितना आ जाएगा लेमडा बाई टू, यहाँ से लेमडा को बताओ कितना जाएगा मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा बताओ जरा, ये बचेगा आपका 53 में दो मल्टीप्लाई करो तो 106। अच्छा सेंटीमीटर में तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो 10^-2 यह आ जाएगा वेवलेंथ उस मीडियम का, ठीक है वेवलेंथ आ गया। हमसे पूछे हैं कि बताना है वेलोसिटी कितने टेम्परेचर पर, 27 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है। तो वेलोसिटी अभी देखा था फार्मूला वेलोसिटी का, वेलोसिटी होता है साउंड का जो वेलोसिटी होता है वी, वो होता है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये होता है साउंड का वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी होता है फ्रिक्वेंसी ने दिया करना है कितना है 320 हर्ट्ज, यहाँ रख दीजिए आप 320 इंटू वेवलेंथ बताओ जरा कितना है 106 इंटू 10^-2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 339 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, सॉल्व करने पा जाएगा 339 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो साउंड वे प्रोपगेट कर रहा होगा उसे कॉलम में या उसे एयर पार्टिकल में कितने स्पीड से कर रहा होगा 339 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सिर्फ ये चीज़ जो लिखा हूँ मैं L2 माइनस L1 सक्सेसिव रेजोनेंस लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाई टू, सक्सेसिव मतलब ये नहीं कि L4 में से L2 घटा देना कह दे लैम्डा बाई टू तो गलत हो जाएगा, सक्सेसिव मतलब L7 माइनस L6, L6 माइनस L5, L5 माइनस L4, उसका जो है डिफरेंस L बाई टू आएगा, लैम्डा बाई टू आएगा, ठीक है। तो आपका ये भी देखो अच्छा सवाल था। नेक्स्ट फोर कह रहे हैं कि टू कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोचेज ईच अदर कर रहे हैं स्पीड इतने इतने, कह रहे हैं कि दो कार हैं, ये क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये कोई मान ले कार ए है, ठीक है कार ए है, ये कार बी है, ठीक है। करें अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, कितने स्पीड से मूव, एक कर रहे हैं 22 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक कर रहे हैं कि कितने से आ रहा है 16.5, ठीक है 16.5 से आ रहा है। कह रहे हैं कि द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार, मतलब ए वाले कार का जो ड्राइवर है वो कह रहे हैं कि हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, कह रहे हैं कि ब्लो हॉर्न, मतलब हॉर्न को क्या किया उसने, ब्लो किया, कह रहे हैं कितने फ्रीक्वेंसी से 400 हर्ट्ज, जो ए वाला कार का ड्राइवर है वो 400 हर्ट्ज से क्या किया फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस किया। कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार, कह रहे हैं कि जो सेकंड कार का जो ड्राइवर है वो कितना फ्रीक्वेंसी सुना, एक चीज़ समझना, अगर हम कहते हैं अगर ए वाला कार ए रेस्ट पर होता, अगर बी वाला कार भी रेस्ट पर होता तो जितना फ्रीक्वेंसी ए वाला कार यहाँ से रिलीज करता उतनी ही फ्रीक्वेंसी ये बी वाला सुनता, क्यों, क्योंकि जब दोनों रेस्ट होते हैं तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनता, ये बताओ ए वाला भी मोशन में है बी वाला भी मोशन में, मोशन होने की वजह से जितना फ्रीक्वेंसी ये रिलीज करेंगे उतना फ्रीक्वेंसी सुन नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा कम करे सुनेगा लेकिन इतना एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुन नहीं पाएगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनता कब, जब दोनों किस होते रेस्ट पर होते, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है सो देखिएगा, जो रिसीव फ्रीक्वेंसी मान लो आप एफ है, इसके पास जो सुनाई दिया फ्रीक्वेंसी कार बी वाला जो ड्राइवर है उसको मैंने मान ली एफ है, तो एफ की वैल्यू होता है ठीक है वो होता है यहाँ फिर होता है एफ नॉट, एफ नॉट मान लीजिए एफ नॉट होता है जो फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है उसका वैल्यू, ब्रैकेट में होता है वी स्पीड ऑफ साउंड, मतलब साउंड कितने स्पीड से प्रोपगेट कर रहा है, प्लस माइनस एक ही फार्मूला होता है प्लस माइनस वी स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर और वी माइनस प्लस स्पीड ऑफ सोर्स, ये फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, वी एफ नॉट होता है जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई, वी होता है स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस वी ओ मतलब ऑब्जर्वर का स्पीड, फिर स्पीड साउंड, फिर माइनस प्लस स्पीड ऑफ, इसे बोलते हैं सोर्स। अच्छा सोर्स कौन है, सोर्स वो होता है जो साउंड को क्या करता है रिलीज करता है, जो फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता है उसे हम बोलते हैं सोर्स। बताओ ये जो है ए वाला कार ये साउंड को क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिलीज कर रहा है, जिसको कहेंगे हम इस सोर्स की तरह काम कर रहा है, और बी वाला कार का ड्राइवर है ये साउंड को सुन रहा है फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है, इसे हम बोलेंगे ऑब्जर्वर, क्या बोलेंगे ऑब्जर्वर, इसे हम बोलेंगे ऑब्जर्वर। ध्यान से देखिए ऑब्जर्वर और सोर्स का ही मेन खेल होता है, ये ऑब्जर्वर होता है ये सोर्स होता है, ये क्या होता है ये सोर्स होता है, ठीक है। सोर्स कब करना है क्योंकि इससे क्या हो रहा है साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इससे फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही है, ये वाला ड्राइवर सुन रहा है तो इसे ऑब्जर्वर बोलेंगे। अब जरा बताना हम जो देखना एक चीज, अच्छा यहाँ चलो यहाँ मान लो एफ की वैल्यू निकालो, एफ बराबर कितना फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रहा है 400, ठीक है ब्रैकेट में स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने बोला हुआ है कितना है 340 मीटर पर सेकेंड, यहाँ रख दीजिए 340 मीटर पर सेकेंड। अब आ गया डायरेक्शन प्लस या माइनस, तो देखना हम देखा अपना तरीका है, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये है कि इन कार का जिन कार का स्पीड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, अगर इसके अपोजिट होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। जरा बताना जो बी वाला कार है ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर का क्या लिखेंगे स्पीड देखेंगे, तो ये बताओ लेफ्ट आ रहा है, हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो भी लेफ्ट है तो प्लस होगा, यहाँ लिख दीजिए कितना प्लस
कितना हो जाएगा बताओ जरा, 16.5, 16.5 डिवाइड बाई, ठीक है। फिर लिखोगे साउंड की स्पीड 340, फिर प्लस या माइनस, अब जरा बताना यहाँ लिखना स्पीड ऑफ सोर्स, सोर्स ये सोर्स किधर जा रहा है, राइट साइड, हमने जो अपना साइन कन्वेंशन माना है वो लेफ्ट साइड माना है, बताओ इसके अपोजिट है, तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव, कितना लिखेंगे निगेटिव, कितना 22, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर आता है 448 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब ये है कि जो ये कार बी का जो ड्राइवर है वो कितना सुनेगा, 44 मतलब 448 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये बताओ जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही थी कितनी हो रही थी, 400 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा क्यों सुन रहा है, क्योंकि दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, दोनों कार एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए देखो जितना आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ से रिलीज हुआ है उससे ज़्यादा ये सुन रहा है, क्योंकि ये दोनों कार एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यही आ जाएगा थर्ड पार्ट, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, डॉ बस एक ही फार्मूला होता है, यही होता है, इसी को जो है पूरे क्वेश्चन से अप्लाई करना होता है, बस लगाना कैसे है ये आना चाहिए आपको। नेक्स्ट डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन था, पूछा गया सवाल है 17-18 में। फिफ्थ कह रहे हैं कि टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ द ट्यूब क्लोज एट वन एंड एट द ओपन एंड अदर एंड आर द, कह रहे हैं कि इतना दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया कि नियरेस्ट हार्मोनिक बोला हुआ, तो मैंने मान लिया एक एन है, एन बराबर एन पर एक नियरेस्ट मिल रहा है, एक एन बराबर एन प्लस वन पर मिल रहा है। नियरेस्ट मतलब होता है कि जस्ट उसके बाद, एक अगर एन मान लो तो दूसरा एन प्लस वन होगा, यही होगा नियरेस्ट, इससे नियरेस्ट कौन हो सकता है। कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 220 है, ठीक है। क्लोज आर्गन पाइप है, ये क्या है क्लोज आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी होता है बताओ जरा, वो होता है आपका 2n, लिखा था पिछले क्वेश्चन में फार्मूला 2n - 1 V/4L, ये होता है क्लोज आर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी। कह रहे हैं कि कितना है बताओ जरा, 220 हर्ट्ज यहाँ रख दीजिए, ठीक है। कब, जब अपने एन की वैल्यू एन लिया था, 2n - 1 V/4L, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो आप, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखिए, कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि 260 हर्ट्ज मिल रहा है जो नियरेस्ट वाला है, तो उस पर मैंने माना n प्लस 1, तो आप रख लीजिए 260, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। अब n की जगह लिखोगे n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर n था तो n था, अब यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे n प्लस 1, क्या लिख दोगे, n प्लस 1 माइनस 1 V/4L, ठीक है, V/4L। अब इसको सॉल्व करो बताओ कितना जाएगा, आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू V/4L, यहाँ से आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, दोनों इक्वेशन को आपस में कर दे डिवाइड, 1 से 2 को कर दे डिवाइड, जब डिवाइड करोगे तो 220 डिवाइड बाई आ जाएगा 260, ठीक है, बराबर सारी वैल्यू V/4L, इसमें भी है V/4L, इसमें भी है, सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2n - 1, इसमें बनेगा 2n + 1, यहाँ रख दीजिए तो बनेगा 2n - 1, यहाँ बनेगा 2n + 1, ठीक है, ये बनेगा। अब कर लो, अब इसको जब और सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा बताए, 11/13, कितना बनेगा 11/13 बराबर आ जाएगा 2n - 1 डिवाइड बाई 2n + 1, इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से जाएगा 22n प्लस 11 बराबर, यहाँ से आ जाएगा कितना 26n - 13, यह आ जाएगा, ठीक है। अब जरा आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेकर आओ, इधर बन जाएगा 4n, घट जाएगा ये, ठीक है, इधर कितना बनेगा, यहाँ बन जाएगा 24, ठीक है। तो जो n की वैल्यू आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों निकालना आप, 6 बताना, हमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है सिस्टम की, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी लिखा था मैंने, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है आपका V/4L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, V/4L होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आप इस n बराबर 6 में किसी एक में रख दीजिए, इसमें उठा कर रख दो इस n के वैल्यू, अच्छा ये आपको जो है दिया हुआ 220, ठीक है, यहाँ रख रहा हूँ, तो 220 बराबर, ठीक है, n के वैल्यू इसमें रख रहा हूँ 6, तो 2 6 जा 12 में 7 घट जाए कितना बन जाएगा, 11 इंटू V/4L, ठीक है भैया। आप इस n की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 6 12 में से घट जाएगा एक, तो कितना बचेगा 11 V/4L, अब जब बताया कट जाएगा ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यहाँ से V/4L की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों जरा बताना, यहाँ से आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, यही जो 20 है बताओ क्या हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यस, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता कितना है V/4L, अब मैंने जो निकाला वैल्यू किसका वैल्यू निकाला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना है 20 हर्ट्ज, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जाएगा उस ऑर्गन पाइप का, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ये भी अच्छा सवाल है, तो जो सवाल बनेंगे ऑर्गन पाइप पर ही बनेंगे, हार्मोनिक पर ना, हार्मोनिक और हार्मोनिक, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि द सेकंड ओवरटोन ऑफ द
ओपन आर्गन पाइप हैज द सेम फ्रिक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज आर्गन पाइप। देखो सी वही चाहिए आर्गन पाइप, तो पहले बनाएंगे ओपन आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप मतलब जिसके दोनों एंड पर क्या होता है, ओपन होता है। इसका लेंथ मान लो आप एल वन, कितना मान लो टोटल लेंथ मान लो आप एल वन, ठीक है, ये ओपन आर्गन पाइप है। एक बनाएंगे क्लोज आर्गन पाइप, एक एंड पर ओपन होगा दूसरे एंड पर क्लोज होगा। ओपन एंड पर बनता है एंटी नोड और क्लोज में बनता है नोड, ठीक है। इसको मान लीजिए आप क्या मान लीजिए, इसका लेंथ मान लीजिए दिया हुआ है, कह रहे हैं कि जो है लेंथ ऑफ द ओपन आर्गन पाइप विल बी, पूछ रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि क्लोज आर्गन पाइप का लेंथ दिया हुआ एल, कितना दिया हुआ एल दिया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कह रहे हैं कि ओवरटोन, कह रहे हैं सेकेंड ओवरटोन ऑफ द ओपन आर्गन पाइप। तो जो फार्मूला होता है ओवरटोन का होता है, उसको लिख दे रहा हूँ, एनथ ओवरटोन का जो फार्मूला होता है, एनथ एनथ का लिख दे रहा हूँ, वो होता है आपका एन प्लस वन, ठीक है, इंटू होता है वी वाई टू एल, ठीक है, क्या होता है वी वाई टू, ये होता है एनथ ओवरटोन का फार्मूला, एन प्लस वन इंटू वी वाई टू एल। यहाँ एन की वैल्यू लिखते हैं, एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट। एन बराबर जीरो पर मिलता है फंडामेंटल ओवरटोन, एन बराबर जीरो पर क्या मिलता है फंडामेंटल ओवरटोन, एन बराबर वन पर मिलता है फर्स्ट ओवरटोन, और एन बराबर टू पर मिलता है सेकेंड ओवरटोन, और एन बराबर थ्री मिलता है थर्ड ओवरटोन। हमसे कह रहे हैं कि सेकेंड ओवरटोन, तो सेकेंड ओवरटोन कितने मिलेगा, एन बराबर टू पर मिलेगा। इसमें जरा इसमें रख दीजिए टू, तो क्या मिलेगा सेकेंड ओवरटोन का फ्रिक्वेंसी मिलेगा, कितना आ जाएगा, तो टू प्लस वन थ्री, थ्री वी वाई टू इंटू एल, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में आप क्लोज कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं बोला हुआ सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन मिलेगा एन बराबर टू पर, क्योंकि एन बराबर जीरो पर कौन सा ओवरटोन मिलेगा फंडामेंटल ओवरटोन मिलेगा, और एन बराबर वन पर मिलेगा फर्स्ट ओवरटोन। हम तो कह रहे हैं कि अब फर्स्ट ओवरटोन कह रहे हैं कि क्लोज आर्गन पाइप। अच्छा इसका जो फार्मूला था ओवरटोन का, जब एक एंड क्लोज हो एक एंड ओपन हो, इसका जो एनथ ओवरटोन का जो फार्मूला होता है एनथ, वो होता है दोस्तों टू एन प्लस वन, क्या होता है टू एन प्लस वन इंटू वी वाई फोर इंटू एल, ये होता है एनथ ओवरटोन का फार्मूला, जब एक एंड पर ओपन हो दूसरे एंड पर क्लोज हो उसका फार्मूला होता है। एन बराबर फिर लिखेंगे जीरो वन टू थ्री, कह रहे हैं कि फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मतलब एन बराबर जीरो पर फंडामेंटल, एन बराबर वन पर फर्स्ट ओवरटोन, तो एन की वैल्यू उसमें वन डाल देंगे तो किसकी ओवरटोन मिलेगा फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा, जरा बताओ जरा, तो एफ वन कितना हो जाएगा टू इंटू वन प्लस वन इंटू वी वाई फोर एल, कितना हो जाएगा बताओ, टू इंटू टू प्लस वन कितना, थ्री वी वाई फोर एल। जो एफ वन की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका थ्री वी वाई फोर इंटू कैपिटल एल। इसको आप तो दोनों कर रहे हैं बराबर हैं, ये और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, मतलब एफ वन की वैल्यू एफ टू की वैल्यू के क्या है आपस में बराबर है, ये गिवन है, ये जरा बराबर कर दीजिए, थ्री वी बाई टू एल, थ्री वी बाई टू एल, ठीक है, बराबर आ जाएगा थ्री वी बाई फोर कैपिटल एल, थ्री वी से थ्री वी कर ए टू से टू कर जाएगा तो एल की वैल्यू कितना आ जाएगा टू इंटू कैपिटल एल। तो जो लेंथ हो जाएगा ओपन आर्गन पाइप का वो कितना हो जाएगा इस वाले लेंथ का डबल, मतलब जो क्लोज आर्गन पाइप का जो लेंथ है एल उसके डबल हो जाएगा ओपन आर्गन पाइप का लेंथ, कितना एल बराबर टू एल। फोर्थ ऑप्शन करें, फेज टू में पूछा क्या सवाल है ये, अब फेज टू में सवाल बहुत ही अच्छा बना था, सब वही के सवाल है, ओवरटोन्स पर आर्गन पाइप पर साउंड वेव का क्वेश्चन है सब, ये स्टैंडिंग वेव का, ये सारे क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव में है, किसमें साउंड वेव में स्टैंडिंग वेव में। सेवन, ये बीट्स का सवाल है, अच्छा सवाल है बीट्स का, कह रहे हैं कि थ्री साउंड वेव ऑफ द इक्वल एम्पलीट्यूड, करें कि एन माइनस वन, कह रहे हैं थ्री साउंड वेव, तो थ्री साउंड वेव मतलब मान लीजिए आप ट्यूनिंग फॉर्क, क्या मान लीजिए ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क भी क्या होता है एक साउंड वेव का सोर्स, साउंड सोर्स होता है वन टू एंड थ्री, ये साउंड सोर्स होता है ट्यूनिंग फॉर्क। कह रहे हैं कि इसका फ्रिक्वेंसी मान लीजिए एन माइनस वन, एन माइनस वन, ठीक है, इसको मान लो आप दिया एन, इसको मान लो आप एन, ठीक है, फ्रिक्वेंसी इनका कह रहे हैं कि दे सुपर इंपोज, मतलब इनको आपस में क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, सुपर इंपोज किया जा रहा है, कह रहे हैं टू गिव द बीट्स, कह रहे हैं तो नंबर ऑफ द बीट्स, बीट्स क्या होता है, बीट्स होता है जब दो साउंड वेव लगभग बराबर एम्पलीट्यूड के क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करते हैं, जब एक दूसरे का अगर सुपर इंपोज करते हैं तो उनके फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है, दो साउंड वेव जिसका मतलब एम्पलीट्यूड लगभग बराबर, उनके फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है, फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है एफ, उसे बोलते हैं एफ बीट्स, एफ वन, एफ टू माइनस एफ वन, दो साउंड वेव के जिनका एम्पलीट्यूड लगभग बराबर होता है उनके फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं मतलब बीट्स फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ बीट्स एफ टू माइनस एफ वन। इसको मान लो अब एफ वन, इसको मान लो एफ टू, जरा बताना कितना जाएगा, एफ वन कितना जाएगा, एफ टू माइनस एफ वन करना है तो आ जाएगा एन, यहाँ लिख रहा है एफ वन, ठीक है, एन में से घटा दीजिए एन माइनस वन, तो बताओ माइनस ऑलरेडी है, माइनस ले जाओगे तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, एक कट जाएगा तो एफ वन वैल्यू कितना जाएगा, एफ वन वैल्यू आ जाएगा वन, ठीक है, यह जाएगा एफ वन। फिर कह रहे हैं अब इसमें मान लिया, फिर अब इसको क्या करो आपस में घटाओ, इसको मान लो आप एफ टू, ठीक है,
सुपर इम्पोज करना है ये, तो दोनों फ्रीक्वेंसी निकालो, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, ऐड कर दो, तो एफ टू बोल इसको मान लीजिए आप एफ थ्री, एफ टू जो भी मान लो, तो एफ थ्री माइनस एफ टू, ठीक है, एफ थ्री मान इसको मान लीजिए एफ वन, इसको मान लो आप एफ टू, इसको मान लो आप एफ थ्री, ठीक है, एफ थ्री माइनस एफ टू बताओ कितना, एन प्लस वन में से घटा दीजिए एन, एन प्लस वन में से घटा दीजिए आप माइनस एन, एक कट जाएगा तो जो एफ टू का वैल्यू आ जाएगा एफ टू वो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। सुपर इम्पोज करने मतलब है इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब इनको ऐड कर रहे हैं, तो बताओ सुपर इम्पोज कर दो तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा बीट फ्रिक्वेंसी वो एफ वन प्लस एफ टू, एफ वन प्लस एफ टू वो कितना आ जाएगा बताओ दोस्तों, आ जाएगा वन प्लस वन, कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, तो जो रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, तो आपको जो आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। आप चाहें इसको आप एफ वन मानिए, इसको एफ टू मानिए, उससे भी करो तब भी आंसर हो जाएगा। आप चाहिए इसको आप पूरे इन दोनों को एफ वन मान लो, इन दोनों को एफ टू मान लो, घटाओगे तो एन में से जब घटाओगे तो एन कट जाएगा वन बचेगा, अब प्लस ऐड कर देना इसमें से तो इसमें वन बचेगा, तो ऐड हो जाएगा दो ही आएगा, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात बराबर है। बीट्स का सवाल था, अच्छा सवाल था ये, फेस टू में पूछा गया वो भी सवाल था। एट नंबर कह रहे हैं यूनिफॉर्म मास कह रूप लेंथ एल मास एम हैंग फॉरवर्ड के लिए फ्रॉम द रिजिड कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास एम टू अटैच टू द लोअर एंड कट। देखो ये मान लीजिए आपका सेलिंग है, क्या है सेलिंग है, ठीक है, और यहाँ से एक ब्लॉक को हैंग कराया गया है जिसका मास कह रहे हैं कि एम टू है, जिसका मास एम टू है, और स्ट्रिंग का मास उन्होंने कहा है एम वन है, स्ट्रिंग का मास एम वन है और जो ब्लॉक आपने हैंग कराया है उसका मास एम टू है। अब देखो क्या करें, कह रहे हैं कि ये ट्रांसफर पल्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा वन इज प्रोड्यूस, कह रहे हैं कि ये एट द लोअर एंड मतलब इस एंड पर एक ट्रांसफर वेव क्या किया गया प्रोड्यूस किया गया है जिसका कह रहे हैं वेवलेंथ लेमडा वन। अच्छा यहाँ पर अगर आप प्रोड्यूस कराओगे ट्रांसफर वेव या पल्स तो वेव कैसे प्रोपगेट करेगा, ऐसे प्रोपगेट करते जाएगा ये, ठीक है। अगर आपने लोअर एंड पर प्रोड्यूस किया है तो वेव ऐसे ही ट्रेवल करते हुए स्ट्रिंग में ऊपर तरफ जाएगा, करें जब यहाँ पर प्रोड्यूस किया तो करें जिसका वेवलेंथ लेमडा वन है करें एट द लोअर एंड, ठीक है, करें कि द वेवलेंथ एट द प्रोड्यूस पल्स वेन द रीचेज द टॉप टू रोप इज द लेमडा टू, मतलब जब यहाँ बॉटम से आपने प्रोड्यूस किया और बॉटम से प्रोड्यूस किया तो लेफ्ट तुरंत ये आगे बढ़ेगा भी, आगे बढ़ करें जब ये कहाँ पहुँच गया टॉप पर, क्या पहुँच गया टॉप पर, तो जब टॉप पर पहुँचा तो करें किसका वेवलेंथ लेमडा टू है, हमसे पूछ रहे हैं लेमडा टू अपना लेमडा वन की वैल्यू, तो एक समझना जो स्पीड या साउंड जिस स्पीड से मूव करता है, मैंने बताया था ये उसका वैल्यू होता है वी बराबर फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यही सारे फार्मूला यही लगेंगे और इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। आप वी वन मानिए, यहाँ पर वी वन मानिए, यहाँ पर वी टू मानिए, तो यहाँ पर वी वन मानोगे तो यहाँ पर वेवलेंथ लेमडा वन हो जाएगा, यहाँ पर अगर वेलोसिटी वी टू मानोगे तो वेवलेंथ लेमडा टू हो जाएगा, तो ज़रा बताना। अच्छा फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है सोर्स का, सोर्स तो वही है जो ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, फ्रीक्वेंसी में क्या होती है सोर्स की, तो यहाँ से देखो वी वन की वैल्यू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लेमडा वन, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है जब तक सोर्स ना चेंज हो, जब तक सोर्स ना चेंज तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज है क्योंकि वेवलेंथ डिपेंड करता है मीडियम पर। वी वन वी टू वैल्यू क्या हो जाएगा जरा बताना, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा टू, जरा दोनों को डिवाइड कर दो, तो वी वन अपॉन वी टू की वैल्यू आ जाएगा लेमडा वन अपॉन लेमडा टू, मतलब अगर लेमडा वन या लेमडा टू की वैल्यू आपको रेशियो निकालना है तो पहले निकालना पड़ेगा उनके स्पीड का रेशियो। एक चीज़ समझना, साउंड जिस स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू होता है वी बराबर होता है रूट के अंदर टी बाई म्यू, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, वी बराबर टी बाई म्यू, टी क्या होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी इस स्ट्रिंग का, लीनियर मास डेंसिटी इस स्ट्रिंग का मतलब एक मीटर लेंथ में कितना मास मिल रहा है उसका नाम म्यू, लीनियर मास डेंसिटी। इन्होंने बोला हुआ है कि यूनिफॉर्म रोप ऑफ द, मतलब म्यू की वैल्यू यूनिफॉर्म है, म्यू की वैल्यू यूनिफॉर्म है, तो अब बताओ अगर यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ से क्या यहाँ पर टेंशन निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी टेंशन, तो अगर यहाँ पर टेंशन निकालना होगा तो क्या करोगे सिस्टम को यहाँ से कट कर दोगे, जैसे वहाँ मैकेनिक्स में पढ़ते थे, मैकेनिक्स का सवाल है अभी, अभी यहाँ पे मोशन खत्म, अगर मैकेनिक्स आपने पढ़ा है तो सवाल आपके लिए आसान होता होने जा रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सवाल आपके लिए कठिन होता जा रहा है। और जब अगर यहाँ पर टेंशन चाहिए तो यहाँ से हम सिस्टम को कर देंगे कट, कट करके लाइए जरा एम टू, ठीक है, अब सब सिस्टम मतलब टेंशन क्या होता है, टेंशन फोर्स हमेशा सिस्टम सवे लगता है, तो टेंशन यहाँ पर लगेगा ऊपर, ठीक है टी वन, ठीक है सिस्टम सवे लगेगा ऊपर लगेगा टी वन, बताओ यहाँ पर नीचे लगेगा एम टू जी, वेट इसका एम टू इंटू जी, अच्छा सिस्टम सब इक्विलिब्रियम पर है, सिस्टम सब इक्विलिब्रियम पर है, तो टी टू ने टी वन ने बैलेंस किया होगा एम टू जी को, तो यहाँ से ले सकते हैं टी वन ने बैलेंस किया होगा एम टू जी को, ठीक है टी वन ने बैलेंस किया होगा एम टू जी को, तो यहाँ पर रख दो, अगर यहाँ पर टी वन अपना माना है तो वेलोसिटी वी वन होगा, तो वी वन की वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर टी वन बाई म्यू, टी वन बाई म्यू, म्यू तो कॉन्स्टेंट आएगा क्योंकि म्यू उन्होंने बोला हुआ कि यूनिफॉर्म है, मतलब एक मीटर लेंथ में जो मास मिल रहा है वो कॉन्स्टेंट है, तो बताओ कितना आ जाएगा रूट के अंदर T1 बोलो जाएगा M2G
डिवाइड बाई मी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वी वन, ये क्या हो जाएगा वी वन हो जाएगा। अब ज़रा बताना, अगर वी टू निकालना है तो वी टू कहाँ पर है, इस पर है, यहाँ पर वी टू है, तो अगर यहाँ पर वी टू निकालोगे तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा टेंशन, और यहाँ पर टेंशन निकालने के लिए यहाँ से सिस्टम को कर देंगे हम कट, क्या कर देंगे कट कर देंगे, कट करके इसका अलग से आप ए बी डी बनाइए, वहाँ से जब कट करोगे तो इस पूरे पार्ट का हम यहाँ से यहाँ तक का एफ बी डी बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पहले यहाँ कट किए थे पूरा कट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ का एफ बी डी बनाओगे तो ज़रा बताना, ये आपका स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से आपने एक एम टू मास को हैंग करा दिया है और इस स्ट्रिंग का मास एम वन है, ठीक है, तो एम टू जी नीचे लगेगा, इसका अपना वेट जो है वो नीचे लगेगा, कितना लगेगा एम टू जी, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रिंग का मास इस पूरे मास को मानेंगे सेंटर पर पॉइंट मास, तो नीचे लगेगा बताओ क्या एम वन जी, ग्रेविटेशन फोर्स एम वन जी। अच्छा, टेंशन कहाँ लगेगा, टेंशन लगेगा सिस्टम से अवे टी टू, सिस्टम से अवे लगेगा ऊपर तरफ सिस्टम से अवे टी टू, और टी टू ने एम वन जी को भी बैलेंस किया होगा एज वेल एज एम टू जी को भी बैलेंस किया होगा, यहाँ पर टी वन अकेले एम टू जी को बैलेंस किया था, यहाँ पर टी टू इस एम वन जी को भी बैलेंस करेगा और एम टू जी को बैलेंस करेगा, बताओ जो टी टू की वैल्यू हो जाएगा दोस्तों टी टू वो कितना हो जाएगा एम टू जी, ठीक है, प्लस एम वन जी, ठीक है, इन दोनों का अकेले बैलेंस करेगा, इस पर जी कॉमन कर लीजिए, जी कॉमन कर लोगे तो क्या बनेगा, जी कॉमन करो तो एम वन प्लस एम टू, ठीक है, ये बनेगा आपका टी टू, तो टी टू बनेगा सेम वही फार्मूला यहाँ रखिए, वी टू बराबर लिख दोगे आप, वी टू की वैल्यू हो जाएगा टी टू रूट के अंदर टी टू डिवाइड बाई म्यू, ठीक है, तो वी टू वैल्यू जरा बताना कितना हो जाएगा, टी टू वैल्यू अभी भी निकालो आप कितना, जी एम वन प्लस एम टू, ये अपना निकाला हुआ टी टू की वैल्यू डिवाइड बाई म्यू, ठीक है, या गया वी टू वैल्यू, वी वन इसको आप बॉक्स में कर लो बंद, क्या कर लो बॉक्स में कर लो बंद, तो वी टू को वी वन से क्या कर दिए डिवाइड कर दीजिए, वी टू को वी वन से जब डिवाइड कर दोगे, ठीक है, वी टू को जरा वी वन से डिवाइड कर दिया, तो वी टू डिवाइड बाई वी वन क्या हो जाएगा, जरा बताना म्यू दोनों में कैंसिल है, म्यू क्या हो जाएगा कैंसिल है क्योंकि दोनों म्यू है, अच्छा जी भी कैंसिल हो जाएगा, जी भी दोनों बराबर है, बचेगा आपका एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई रूट के अंदर बचेगा एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई एम टू, ये बनेगा आपका वी टू बाई वी वन, ठीक है, हमसे रेशियो पूछे हैं लेमडा टू अपॉन लेमडा, तो बताओ इसको अगर आप अपोजिट कर दोगे तो यहाँ से क्या जाएगा लेमडा टू अपॉन लेमडा वन, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ जरा, रूट के अंदर एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई एम टू, ये आ जाएगा आपका वेवलेंथ का रेशियो लेमडा टू अपॉन लेमडा वन एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई एम टू, तो आपका जो आंसर हो जाएगा एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई एम टू। बढ़िया सवाल था थोड़ा, लेकिन तो अब कुछ वेव मोशन क्वेश्चन कुछ मैकेनिक्स क्वेश्चन, अगर मैकेनिक्स आपने पढ़ा है तो सवाल आपके लिए आसान होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कठिन होगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा सवाल है, 2016 में पूछा गया सवाल है ये, नाइन नंबर, कह रहे हैं सायरन इमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, कह रहे हैं 8 हर्ट्ज मूव द अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द क्लिफ एट स्पीड इतना, डॉपलर इफेक्ट का सवाल है, ये मान लीजिए कोई क्लिफ है, क्लिफ मतलब कोई हिल पहाड़, क्या है कोई पहाड़ है, पहाड़ मान लीजिए क्लिफ है, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर कोई सायरन है, सायरन सोर्स है, ठीक है, कह रहे हैं कि ये सायरन आगे जा रहा है कितने स्पीड से जा रहा है दोस्तों, दिया इन्होंने 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड से ये सायरन आगे जा रहा है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, कह रहे हैं कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट द ऑब्जर्व हियर्स इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ, मतलब जो है अब ध्यान सुनना, ये मूव कर रहा है, अच्छा इन्होंने कहा है कि जो है ये जो फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है कितना कर रहा है 800 हर्ट्ज, ये जो सायरन है ये जो है 800 फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है, अब बताओ अगर ये रिलीज कर रहा है तो ये एज ए ट्रीट करेंगे एज ए सोर्स, क्योंकि इसने फ्रीक्वेंसी रिलीज की है, साउंड को रिलीज किया है, इसको हम कहेंगे सोर्स है, ये क्या है सोर्स है, क्योंकि ये साउंड को रिलीज कर रहा है या फ्रीक्वेंसी को रिलीज कर रहा है, और ये हिल है ये इस साउंड को क्या करेगा ऑब्जर्व करेगा सुनेगा, इसे हम कहेंगे ऑब्जर्वर, क्या कहेंगे ऑब्जर्वर कहेंगे, हिल को क्या कहेंगे ऑब्जर्वर, ये जो सायरन है ये इस ऑब्जर्वर के करीब जा रहा है और इस वाले मैन से दूर जा रहा है, ये इसके पास जा रहा है, पास वो आने लगे जरा जरा, ठीक है, पास वो आने लगे जरा जरा, ये जो सायरन है ये इस ऑब्जर्वर के पास जा रहा है और इस मैन से दूर जा रहा है, ठीक है, अब मैंने मान लिया कि इसके पास जो फ्रिक्वेंसी रिसीव हुई उसको मान ली एफ नॉट, कितना मान लिया एफ नॉट, अच्छा एफ नॉट की वैल्यू कितना होगा तो बताना जरा, अच्छा ये ऑब्जर्वर है ये आपका सोर्स है, तो जो आपको डायरेक्शन मांगे पॉजिटिव ऑब्जर्वर टू सोर्स, पिछले बार सवाल में देख लीजिएगा ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ मानेंगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन, तो बताओ जो फ्रीक्वेंसी इसके पास जो रिसीव हुई वो कितनी हुई एफ नॉट, एफ नॉट की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा एफ नॉट और बताओ एफ जो रिलीज हुई कितना 800 ब्रैकेट में स्पीड ऑफ साउंड वी, स्पीड ऑफ साउंड कितना है बताओ 330, कितना है 330, ठीक है,
प्लस या माइनस लिखोगे। अच्छा यहाँ पर स्पीड कितना होता है, ऑब्जर्वर का स्पीड होता है, फिर नीचे लिखते हैं हम, एक बार स्पीड लिख भी दे रहे हैं। जो फ्रिक्वेंसी होता है वो होता है एफ रिसीव वी प्लस माइनस वी स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर वी माइनस प्लस स्पीड ऑफ सोर्स। ये होता है आपका फार्मूला, एकदम याद होना चाहिए। तो एफ नॉट जो रिसीव हुआ है कितना 800, वी स्पीड ऑफ साउंड लिख दिया कितना 300। अब प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे, मैंने बताया था कि ऑब्जर्वर से सोर्स तरफ पॉजिटिव मानोगे, जो भी वेलोसिटी की रिएक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, इसके अपोजिट जो होगी वो निगेटिव होगी। बताओ ये रेस्ट पर रहिए, ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर हिल जो है ये रेस्ट पर रहिए। भाई पहाड़ तो रेस्ट पर होगा ना, पहाड़ थोड़ी चलेगा, रेस्ट पर है। तो आप यहाँ पर क्या कर दो, प्लस लिख दो या माइनस लिख दो, जीरो डिवाइड भाई, फिर नीचे स्पीड ऑफ साउंड थ्री जीरो, प्लस या माइनस लिखोगे। अब जब बताओ लेफ्ट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना हुआ है, और जो सायरन है किधर जा रहा है, राइट जा रहा है, जो सायरन है वो राइट जा रहा है तो निगेटिव होगा। बताओ कितना स्पीड है, 15 हो जाए। यह जाएगा आपका रिसीव फ्रिक्वेंसी एफ नॉट। ये रिसीव फ्रिक्वेंसी किसने की है, इस हिल ने की है। अब जरा बताना, अब जो फ्रिक्वेंसी रिसीव हुई है वो फ्रिक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है इन फॉर्म ऑफ इको। इको मतलब क्या होता है, गूंज। जैसे आप मान लीजिए किसी बहुत बड़े पहाड़ के सामने खड़े हो जाइए, आप वहाँ से बोलिए हेलो हाय, तो आप जो बोलोगे वो तुरंत आपको जो रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देगा। कैसे सुनाई देगा, जो फ्रिक्वेंसी आपने बोला वो वहाँ पर जो पहाड़ उसने ऑब्जर्व किया, फिर वहाँ से क्या हुआ, इको के फॉर्म में, गूंज के फॉर्म में वापस आएगा वो, समझ गए। तो वही कह रहे हैं कि जब यहाँ टकरा जाए फ्रिक्वेंसी एफ नॉट, फिर यही एफ नॉट क्या हुआ इसके पास सुनाई दीजिए। तो अब ये जो आपका हिल है ये बनेगा अब सोर्स, क्या बनेगा, अब ये बनेगा सोर्स, क्या बनेगा, क्योंकि अब यहाँ से जो है फ्रिक्वेंसी रिलीज हो रही है, और ये जो मैन है अब ये बनेगा ऑब्जर्वर, क्योंकि अभी ये ऑब्जर्वर सुन रहा है, मैन सुन रहा है ये, ठीक है। मैन क्या कर रहा है, फ्रिक्वेंसी को सुन रहा है। अब जरा बताना, अब ऑब्जर्वर से सोर्स, फिर डायरेक्शन जो है ऑब्जर्वर से सोर्स, अब इस डायरेक्शन को मानेंगे हम पॉजिटिव, क्या मानेंगे पॉजिटिव। अच्छा ये भी रेस्ट पर है, ये जो मैन है ये भी रेस्ट पर है, और जो हील है सोर्स ये भी रेस्ट पर है। तो मैंने मान लिया कि इस मैन के पास जो फ्रिक्वेंसी रिसीव हुई उसकी वाली मैंने मना लिया एफ डैश, कितना मान लिया एफ डैश। अब जरा बताओ एफ डैश की ओर लिखने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा एफ डैश, ठीक है, एफ डैश की वैल्यू बराबर। अब जो एफ रिलीज हुआ एफ नॉट, यहाँ से रिलीज हुआ ये फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही है, तो यहाँ लिखोगे एफ नॉट, क्या लिखोगे एफ नॉट ब्रैकेट में वी स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, प्लस या माइनस बताओ, ये रेस्ट पर रहिए, प्लस जीरो, क्योंकि जो है ऑब्जर्वर ये है ना, सॉरी ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर की स्पीड लिखते हैं, तो ऑब्जर्वर आपका ये है, ऑब्जर्वर किस पर है, रेस्ट पर है, तो यहाँ जीरो वेलोसिटी, फिर नीचे डिवाइड लिखोगे आप, फिर स्पीड ऑफ साउंड, फिर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब बताओ सोर्स कौन है, सोर्स इस बार हिल है, पहाड़ है, ये भी रेस्ट पर रहिए, तो प्लस लिखो या माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो बताओ, पूरी वैल्यू कट गई। तो जो रिसीव फ्रीक्वेंसी हुई एफ डैश, वो जो फ्रीक्वेंसी वहाँ से एक्चुअल में रिलीज हुई थी वही फ्रीक्वेंसी इस मैन ने क्या किया है, सुना है। मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था कि अगर दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों अगर रेस्ट पर हैं तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स रिलीज करेगा वही एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा। बताओ ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और यहाँ पर सोर्स भी रेस्ट पर, दोनों रेस्ट पर हैं, तो जो सोर्स ने फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, बताओ जो एफ नॉट वैल्यू निकाला था मैंने, ये एफ नॉट, यही फ्रीक्वेंसी इसने सुना है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, दोनों से अगर कोई भी अगर मोशन होता तो ये फ्रीक्वेंसी जो सुन नहीं पाता, लेकिन बताओ दोनों अगर रेस्ट पर हैं तो जितना फ्रीक्वेंसी ये हील यहाँ से रिसीव, मतलब रिसीव होगा या रिलीज होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा, रिसीव करेगा। बताओ अब यहाँ पर इसकी वैल्यू डॉक्टर एफ नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एफ डैश की वैल्यू आ जाएगा आपका यही फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कितना है, 330 मल्टीप्लाई आ जाएगा 800 डिवाइड बाई बताओ कितना, 330 माइनस 15 मतलब 315, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 838 हर्ट्ज, कितना आ जाएगा 83 हर्ट्ज, कितना फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर है ये सुनेगा। आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड। देखो ये भी अच्छा सवाल है, 2016 में पूछा गया सवाल, डॉपलर इफेक्ट का सवाल है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टेन नंबर कर रहा था, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं कि दिया हुआ है वाई बराबर इतना, तो पहले इस पाई बाई टू का आप अंदर ले लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं और अच्छे से लिख रहा हूँ, 3 sin ए ट्रांसफर वेव का इक्वेशन है, ठीक है, जब पाई बाई टू अंदर लोगे बार टू से कट जाएगा ये 25 बार में, तो 25 पाई टी कितना आ जाएगा, 25 पाई टी माइनस हो जाएगा आपका पाई बाई टू इंटू एक्स, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर वेव। आप इस इक्वेशन को आप कंपेरिजन करिए अपने स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ट्रांसफर के लिए, प्रोग्रेसिव वेव के लिए, मैकेनिकल वेव के लिए, ठीक है, ये होता है इक्वेशन। हमसे कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जैसे वहाँ सच्चम में पढ़ते थे ना, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वी मैक्स कितना होता था ए ओमेगा, ये सच्चम में सेम वही यहाँ पर भी है ए ओमेगा,
ए क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था, ओमेगा होता था एंगुलर फ्रिक्वेंसी, मतलब एम्पलीट्यूड ए कितना है, 3 है, यहाँ रख दीजिए, तो वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगा, वी मैक्स की वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो ओमेगा वैल्यू कितना है, 25 इंटू पाई, कंपेरिजन करिए, टी की जगह टी, ओमेगा जगह हो जाएगा 25 पाई, तो 25 पाई यहाँ रख दीजिए आप, 25 इंटू पाई कितना आ जाएगा, 75 पाई, ठीक है, 75 पाई आ जाएगा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वी मैक्स, ठीक है। अगर है वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होता है, सी, वेव वेलोसिटी डिपेंड करते हैं सी या वी से, वो होता है कोफिशियंट ऑफ टाइम, ध्यान से रखिएगा, जो स्पीड वेलोसिटी होती है वेव की होती है कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ टाइम, कोफिशियंट ऑफ टाइम डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ टाइम, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है, टाइम का कोफिशियंट बताओ कितना है, ओमेगा है, एक्स कोफिशियंट कितना है, के है, ठीक है, तो यहाँ बताओ ओमेगा की वैल्यू 25 पाई और के की वैल्यू पाई बाई 2, तो जो सी की वैल्यू आ जाएगा यहाँ रख दीजिए 25 पाई, ठीक है, डिवाइड बाई पाई बाई 2 ये आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर टाइम का जो कोफिशियंट है 25 पाई है और जो एक्स का जो कोफिशियंट है पाई बाई 2 है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो सी 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब जो साउंड का स्पीड होगा वो कितना होगा, 50 मीटर पर सेकंड, हमसे रेशियो पूछे वी मैक्स अपॉन साउंड का स्पीड, तो रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो क्या जाएगा, वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई वेव स्पीड कितना हो जाएगा बताओ जरा, 75 पाई, ठीक है, 75 पाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 50, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 3/2π, 3/2π आपका जो आंसर हो जाएगा 3/2π, फोर्थ पार्ट, APMT मेंस में पूछा गया सवाल है APMT, नंबर कह रहे हैं कि ट्रांसफर वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, कह रहे हैं कि ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, कह रहे हैं द वेव वेलोसिटी एंड इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना होता है, वी मैक्स, अभी लिखा था मैंने, जो वी मैक्स की वैल्यू होता है ए ओमेगा, क्या होता है आपका ए ओमेगा, ये होता है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड सी, वो होता है कोफिशियंट ऑफ टाइम डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स, टाइम कोफिशियंट होता है कितना ओमेगा और एक्स कोफिशियंट के है तो ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के, ठीक है, कह रहा है इक्वल है ये, क्या है बराबर है ये, बोला इन्होंने कि जो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इक्वल, तो आप बराबर कर दीजिए वी मैक्स की वैल्यू को बराबर कर दीजिए स्पीड ऑफ साउंड, ये कह रहे हैं कि बराबर है ये, वी मैक्स को बताओ ए ओमेगा, वी मैक्स की वैल्यू ए इंटू ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई के, ठीक है, ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, बताओ यहाँ से के की वैल्यू कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगा 1/a, के की वैल्यू आ जाएगा 1/a, के क्या होता है, के होता है एंगुलर वेव नंबर, के क्या होता है एंगुलर वेव नंबर, यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हमसे पूछे हैं वेवलेंथ, बता जरा जो एंगुलर वेव नंबर होता है के, उसका वैल्यू होता है 2π/λ, क्या होता है 2π/λ, ये होता है एंगुलर वेव नंबर बराबर 2π/λ, के को वैल्यू बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेव नंबर, लेमडा होता है वेवलेंथ ऑफ द मीडियम, के को वैल्यू निकाल चुके हैं 1/a, ठीक है, यहाँ रख दीजिए 1/a, ठीक है, बराबर 2π/λ, 2π/λ, हमसे लेमडा पूछे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लेमडा वैल्यू कितना आ जाएगा 2π/a, तो जो वेवलेंथ आ जाएगा हो जाएगा 2π/a, खत्म, फोर्थ ऑप्शन, ये भी देखो प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल ये, नेक्स्ट थर्टी कह रहे हैं इफ द इनिशियल टेंशन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रिंग इज डबल देन द टेंशन रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्पीड, मैंने बताया था कि अगर कोई मान लीजिए ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ठीक है, क्या है स्ट्रेच स्ट्रिंग है, और स्ट्रेच स्ट्रिंग मान लीजिए स्पीड मतलब साउंड जा रहा है वी स्पीड से, ठीक है, अगर इसमें टेंशन आप टी मान लोगे तो जो साउंड का स्पीड होता है वी, वो होता है रूट के अंदर टी बाई म्यू, ठीक है, टी बाई म्यू, म्यू होता है आपका लीनियर मास डेंसिटी जो कि कॉन्स्टेंट होता है, तो वेलोसिटी बराबर टी बाई म्यू, कह रहे हैं कि जो फाइनल जो टेंशन कर रहे हैं कि इनिशियल कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, मतलब जो फाइनल टेंशन है टी फाइनल वो इनिशियल कितना हो गया 2t हो गया, तो आप स्पीड मान लो वी फाइनल, ठीक है, वी फाइनल मान लो बताओ रूट के अंदर कितना आ जाएगा टी फाइनल डिवाइड बाई म्यू बराबर टी फाइनल, बताना जा रहा टी फाइनल कितना 2t डिवाइड बाई म्यू, हमसे रेशियो पूछे हैं इनिशियल और फाइनल का, इनिशियल ये है फाइनल ये है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो वी डिवाइड बाई वी फाइनल, वी कितना था होता टी बाई म्यू, ठीक है, वी फाइनल कितना था 2t बाई म्यू, ठीक है, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, टी से टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो वी अपॉन वी फाइनल, मतलब वी इनिशियल और वी फाइनल का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2, 1:2, तो जो आपका रेशियो आ जाएगा वी इनिशियल वी फाइनल उसका रेशियो आ जाएगा 1:2, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1:2।
थर्ड ऑप्शन 2022 में पूछा गया सवाल है, कोई दम नहीं सवाल में, कोई भी दम नहीं। करंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करें 90 सेंटीमीटर हाई द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, गिटार उटार देखा होगा, तो कह रहे हैं कि गिटार में क्या होता है कि दोनों एंड पर ये क्लोज होता है, ठीक है, ये आपका जो है म्यूजिकल स्ट्रिंग का लेंथ है ये, ठीक है। इसमें टेंशन टी यहाँ होता है और टेंशन टी भी यहाँ होता है, सिस्टम से अवे लगता है, ठीक है। कह रहे हैं टोटल लेंथ जो है इस स्ट्रिंग का बताओ कितना दिया उन्होंने, टोटल लेंथ कह रहे हैं कि कितना है 90 सेंटीमीटर है ये, ठीक है 90 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है 120 हर्ट्ज, तो जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा फ्रीक्वेंसी वो होता है जो कि दोनों एंड पर क्या है इस वहाँ पर लिखते हैं ना क्लोज, सेम वही फार्मूला लिखेंगे वी बाई टू एल क्लोज वाला फार्मूला लगाएंगे वी बाई टू एल, वी क्वल होता है रूट के अंदर टी बाई म्यू, ऐसे कर लो वन अपॉन टू एल इंटू रूट के अंदर टी बाई म्यू, टी बाई म्यू ये होता है फार्मूला। अगर दोनों एंड अपने क्लोज कर दिया है तो जैसे वहाँ पर लिखते थे ना क्लोज ओपन पाइप, क्लोज ओपन पाइप का होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाई टू एल, सेम वही चीज़ है वहाँ पर अगर दोनों ओपन ओपन होता था तो वी बाई टू एल, यहाँ दोनों अपने क्लोज कर दिया था सेम फार्मूला वी बाई टू एल, वी वैल्यू होती है रूट के अंदर टी बाई म्यू ये होता है आपका। अगर हम कहते हैं कि टी और म्यू क्या है कॉन्स्टेंट है, अगर किसी वैल्यू के लिए टी की वैल्यू कॉन्स्टेंट मान लो म्यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट मान लो तो टू भी कॉन्स्टेंट होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ जो है फ्रीक्वेंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है लेंथ के, यहाँ से कह सकते हो। कब कह सकते हो, जब t और म्यू को आप कांस्टेंट मान लोगे, यहाँ से लिख सकते हैं f इंटू एल बराबर कांस्टेंट, क्या लिख सकते हैं f इंटू एल बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से लगाते हैं एफ एल वन बराबर एफ एल टू, सीधे से लगा दीजिए आप देखो, तो यहाँ से लिखो आप f वन इंटू एल वन बराबर एफ टू इंटू एल टू, ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि अरे कांस्टेंट है तो एफ वन एल वन की वैल्यू वही होगा जो एफ टू एल टू की वैल्यू होगा, वही वैल्यू होगा एफ थ्री एल थ्री की वैल्यू, सेम वैल्यू आपस में बराबर होंगे। तो कह रहे हैं एफ वन वैल्यू बताओ कितना कर रहे हैं 120 हर्ट्ज प्रोड्यूस हो रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रख लीजिए जरा 120, ठीक है, इंटू लेंथ कर रहे हैं कितना 90 सेंटीमीटर बराबर। एफ टू पूछ रहे हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी हो फंडामेंटल कि जिसका अगर लेंथ हम मतलब नहीं कर रहे हैं कि अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 कर दें तो जो है लेंथ कितना होना चाहिए बताओ जरा, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया उन्होंने 180 हर्ट्ज, इन्होंने ये बोला हुआ है कि हम इस स्ट्रिंग पर कहाँ प्रेस करें, ऐसे ही कहाँ प्रेस करें कि फंडामेंटल मतलब कितना लेंथ पर प्रेस करें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाए 180 हर्ट्ज। तो मैंने मान लिया कि लेंथ आप मान लो यहाँ से मैंने यहाँ प्लग किया है, लेंथ मान लीजिए आप एल, क्या मान लीजिए एल, जब यहाँ प्लग किया तो जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल आई कितनी आई 180 हर्ट्ज, यहाँ रख दो 180 हर्ट्ज इंटू एल, ठीक है, बताओ एक जीरो से एक जीरो एक कर जाएगा टू टाइम्स में टू ए कर जाएगा 60 टाइम्स में, जो एल की वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, क्या जाएगा एल की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि इस एंड से अगर 60 मीटर दूर हम इस पर अगर प्लग करेंगे हमें कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा 120 हर्ट्ज, जो कि फंडामेंटल होगा। ये भी देखो अच्छा सवाल था, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पटनी ड्यूजी फेज टू में पूछा गया सवाल, 2020 का सवाल है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है ये 15 नंबर करें इन द अरेंजमेंट सोनी फिगर है कि मास दिया गया टोटल स्ट्रिंग का 4.5, हाउ मच टाइम टेक टू द ट्रांसफर फोर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस द फ्लोर टू द रीच द पुली, पुली होगा वहाँ पर। कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इस एंड पर अगर हम मान लीजिए कोई पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पल्स या वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, कह रहे हैं ये पल्स मालिक कैसे मूव करेगा, तो ये पल्स ऐसे ही मूव करते हुए यहाँ तक जाएगा, ये ऐसे ही मूव करते हुए यहाँ तक जाएगा। कह रहे हैं जब ये पल्स इस लोअर एंड से यहाँ तक पहुँचा पुली तक तो कितना समय लिया, ठीक है कितना समय लिया, तो आप इक्वेशन लगा दो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो स्पीड जिस साउंड जिस स्पीड से मूव करता है वो स्पीड कांस्टेंट होती है, उसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होता है, लगभग हम मानते हैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मतलब ये जो वैल्यू पूरी है आपकी ये क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ से लिख सकते हैं एस बराबर यू टी, एस बराबर यू टी। अच्छा अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, टू मीटर, कितना करेंगे देखो आप 2 मीटर, तो 2 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी मान लो वी, टाइम पूछ रहे हैं तो टी हो जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ पर जो टेंशन हो जाएगा टी ऊपर हो जाएगा, यही टेंशन यहाँ पर आएगा। अच्छा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इस पर नीचे लगा लगेगा 2g, क्या लगेगा 2g, तो यहाँ पर टेंशन वैल्यू हो जाएगा कितना आ जाएगा बताओ जरा, 2 into g, जी वैल्यू कितना होता है 10, तो टेंशन वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 20 न्यूटन, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, ये हो जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी। अभी मैंने फार्मूला बताया था कि जो वेलोसिटी होता है जिस स्पीड से मतलब साउंड मूव करता है
वी होता है टी बाई मीन, टी होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, विदाउट टेंशन कितना है 20 न्यूटन। मीन क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी, मतलब पर लेंथ में कितना मास मिल रहा है, मतलब इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ 2 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना। तो टोटल लेंथ कितना हो जाए जरा बताना, 2 प्लस सेंटीमीटर में इसको ले सकते हैं 0.025, इसको ले सकते हैं 2.25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लेंथ टोटल उस स्ट्रिंग का, ठीक है। अच्छा मास दिया हुआ टोटल कितना दिया हुआ, 4.5 ग्राम। अब इसको आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, म्यू चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए म्यू, तो म्यू क्या होता है एम बाई एल, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना मास मिल रहा है, एम 4.5 ग्राम में है तो चेंज कर लीजिए केजी में, तो -3 डिवाइड बाई 2.25, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2×10⁻³, ठीक है, केजी पर मीटर। ये किसका वैल्यू है, ये म्यू का वैल्यू है, किसका वैल्यू है ये म्यू का वैल्यू, मतलब पर मीटर लेंथ में इतना मास आपको मिल रहा होगा। इस म्यू का वैल्यू हार दीजिए, टेंशन वैल्यू हार दीजिए, तो आपका स्पीड जो है मतलब साउंड जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसका वैल्यू निकल जाएगा। जरा बताना v बराबर टी बाई मी, टी वैल्यू 20 न्यूटन डिवाइड बाई 2×10⁻³, ये कट जाएगा मतलब v वैल्यू ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। इसका 2 जीरो का रूट एक जीरो, ठीक है। अब जरा बताना तो यहाँ से v जो वैल्यू हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये है कि जो साउंड इस स्ट्रिंग में जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा उसकी वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड होगी। अब यहाँ पर रख दीजिए 100 मीटर पर सेकेंड, तो 2 बराबर 100×t, तो t वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ जरा, 2 डिवाइड बाई 100, यहाँ से आ जाएगा 0.02 सेकेंड, मतलब 0.02 सेकेंड में जो पल्स है, जो वेव है, इस बॉटम से मतलब लोअर पॉइंट से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 0.02 सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा सवाल था ये, नीट लेवल का सवाल तो नहीं है लेकिन बढ़िया सवाल, इसको लगा के जाओगे तो अंदर से अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब जो नेक्स्ट सवाल है इससे बेहतरीन सवाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इससे बेहतरीन क्वेश्चन है ये 60 नंबर। कह रहे हैं 2 ब्लॉक ईच हैविंग, देखो कह रहे हैं कितना, कह रहे हैं कि मास दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ बताओ, 3.2 kg, मतलब इसका भी मास 3.2 kg, इसका भी मास 3.2 kg, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि द लीनियर मास दिया हुआ, कह रहे हैं कि ट्रांसफर वेव, कर रहे हैं कि ए बी और सी डी बताना है, ट्रांसफर वेव बताना है, ए बी और सी डी रेशियो बतानी है, बताओ जो वी अभी बताया था मैंने वी। अच्छा अगर मान लो हमको इसमें चाहिए, अगर हमको मान लो साउंड का स्पीड, क्या लिखोगे वी सी डी, सी डी में चाहिए वी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर टी सी डी टेंशन इन सी डी डिवाइड बाई म्यू सी डी, मतलब सी डी में लीनियर मास डेंसिटी। अगर यहाँ पर टेंशन चाहिए बताओ जरा, यहाँ पर टेंशन सिस्टम सभी लगेगा, अच्छा वही टेंशन यहाँ लगेगा सिस्टम सभी, बोलो दोस्तों, अरे मैकेनिक का सवाल हो गया दोस्तों ये, तो बताओ टी, यहाँ पर टी सी डी, टी सी डी कितना हो जाएगा बताओ, इसका वेट नीचे 3.2×10 कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। अब ये टी सी डी इस 32 क्या करेगा, बैलेंस करेगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो टी सी डी की जो वैल्यू आ जाएगा टी सी डी वो कितना आ जाएगा 32 न्यूटन, ठीक है। म्यू दिया हुआ सीडी में कितना कर रहे हैं कि 0.8 ग्राम पर मीटर, ग्राम पर मीटर, ग्राम में दिया हुआ है, तो जब वी सीडी जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, रूट के अंदर टी 32 डिवाइड बाई 0.8×10⁻³, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रूट के अंदर 40,000, कितना आ जाएगा 40,000। 2 जीरो का रूट एक जीरो, इसका भी एक जीरो, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो वी सीडी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब यह है कि साउंड जिस स्पीड से इस सीडी वाले स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रहा होगा उसकी वैल्यू 200 मीटर पर सेकंड होगी। अब हमें निकालना ए बी वाले में, ठीक है, सेम वही चीज लिखिए वी ए बी, क्या लिखिए वी ए बी, वी ए बी लिखोगे तो क्या जाएगा, रूट के अंदर टी ए बी टेंशन इन ए बी डिवाइड बाई म्यू ए बी, ठीक है। अब टेंशन निकालना इसमें, और टेंशन होता है सिस्टम से हमेशा आवे लगता है, टेंशन हमेशा सिस्टम से आवे लगता है। अच्छा इस 3.2 मास है तो बताओ इसका जो नीचे लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स तो कितना लगेगा, 3.2×10 कितना हो जाएगा ये 32 न्यूटन। तो अब जो टी सी टी ए भी होगा उस अपने वेट 3.2 को बैलेंस करेगा, और प्लस जो टेंशन है टी सी डी दोनों को बैलेंस करेगा। मैकेनिक्स का सवाल है, सीधे सीधे मैकेनिक्स सवाल, क्योंकि सिस्टम में इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स हम कर देंगे बैलेंस टी ए बी, टी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा टी सी डी, प्लस हो जाएगा इसका वेट कितना 3.2 मतलब 32 न्यूटन। टी सी डी अभी निकाले थे आप कितना 32 न्यूटन, तो यहाँ वैल्यू लग जाएगा टी आ जाएगा टेंशन इन ए बी, और टी सी डी वैल्यू 32 ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो 32 प्लस 32, तो टेंशन आ जाएगा ए बी वायर में कितना आ जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 64 न्यूटन।
तो टेंशन आ जाएगा इस ए बी वायर में कितना 64 न्यूटन, टेंशन था सी डी वायर में कितना 32 न्यूटन। मैकेनिक्स का सवाल है सीधा बी डी बनाना है, ठीक है। अब क्या करिए, इसकी वैल्यू आप यहाँ रखिए, म्यू ए बी दिया गया कितना, म्यू ए बी 10 ग्राम पर मीटर, 10 ग्राम। तो जरा बताओ वी ए बी, वी ए बी, अब वी ए बी कितना हो जाएगा बताओ जरा, रूट के अंदर टी ए बी, टी वैल्यू अभी निकाल चुके हैं आप कितना 64, ठीक है, और म्यू की वैल्यू 10 ग्राम, 10 × 10^-3, इसको सॉल्व करो आ जाएगा आपका 80 मीटर पर सेकेंड। अरे ऊपर ले जाओगे तो 64 हो जाएगा, 64 का हो जाएगा रूट 8 और 2 0 हो जाएगा 1 0, तो हो जाएगा 80। हमसे रेशियो 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 नहीं पूछे हैं, वेलोसिटी पूछ दी है ए बी और सी डी में, तो बताओ जो वेलोसिटी हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड और 200 मीटर पर सेकेंड। ए बी वाले में 80 मीटर पर सेकेंड और सी डी वाले में 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल था, नीट लेवल का सवाल तो नहीं है लेकिन सवाल बेहतरीन है ये। अब जो सवाल आ रहा है इन दोनों से बेहतरीन, अब जो सवाल आ रहा है ये सवाल दोनों से भी बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है, इंक्लाइंड वेज का सवाल है ये। कह रहे हैं कि वायर इतना कह रहे हैं कि मास, मतलब म्यू की वैल्यू दे दें केजी पर मीटर, मतलब म्यू की जो वैल्यू दे दी उन्होंने वो कितना दे दिया 10 × 10^-3, म्यू की वैल्यू दे दिया। कह रहे हैं कि मीटर कह रहे हैं पास फ्रिक्शन पूरी टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन प्लेन कह रहे हैं कि 30 डिग्री, ये एंगल कितना है थीटा 30 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर M1 मास है, यहाँ पर M2 मास है, इनको आपने इंक्लाइंड प्लेन का क्या कर दिया, हैंग करा दिया, सिस्टम इक्विलिब्रियम है, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है बताना, तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे M1g, ठीक है, इस M1g का एक कंपोनेंट आएगा इस नॉर्मल इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, कितना आता है M1g cos थीटा, बोलो दोस्तों, अरे भूल गए क्या, ये सब यही मैकेनिक्स का सवाल है। इधर कंपोनेंट आता है M1g का sin थीटा, ठीक है, अच्छा टेंशन हमेशा सिस्टम सब टेंशन यहाँ होगा टी, इसमें टेंशन यहाँ होगा टी, सिस्टम अगर रेस्ट पर रहिए तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब यह है कि टेंशन ने बैलेंस किया होगा यहाँ पर M1g sin थीटा को, यहाँ पर टेंशन ने बैलेंस किया होगा M2 को। तो जरा बताना यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टेंशन ने बैलेंस किया होगा M1g sin 30 डिग्री, ठीक है, तो टी की वैल्यू बताओ, M1 नहीं दिया हुआ है वही पूछ रहे हैं, जी की वैल्यू 10, sin 30 वैल्यू 1/2, यहाँ से आ जाएगा 5 M1, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 M1। हमसे पूछे हैं कि बताना है आपको मास M1, अच्छा बताओ स्पीड जो होता है साउंड का मतलब होता है कॉन्स्टेंट होता है, कितना वैल्यू होता है उसका बताओ जरा, वो होता है रूट के अंदर टी बाई मी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दोगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर टी डिवाइड बाई म्यू, रूट हट जाएगा। और कह रहे हैं कि जो है साउंड जिस स्पीड से इस स्ट्रिंग में मूव कर रहा है उसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना है 100 मार्क, ठीक, मास पर के जी, मास फ्रिक्शनल स्टॉप तो मैकेनिक्स बोली, हाँ टेबल ये दिया, यहाँ पर दिया, सॉरी, कह रहे हैं कि साउंड जिस स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि 4-5 लाइन का क्वेश्चन आई है, कह रहे हैं कि साउंड जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसका बोला दिया 100 मीटर पर सेकंड, मतलब ये है कि साउंड यहाँ से ऐसे ही प्रोपगेट कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर पहुँच रहा होगा, कितने स्पीड से जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, यहाँ रख दीजिए तो 100 × 100 बराबर टी, म्यू की वैल्यू बताओ कितना है 10 × 10^-3, तो अगर यहाँ पर और अच्छे से होते बताओ एक पावर कम हो जाएगा तो 10^-2, 10^-2, ठीक है, 10^, इसको और यहाँ पर लिखिए आप टी, यहाँ पर लिखने जा रहे हैं तो बताओ ये 10^-2 इधर आएगा, तो 100 × 100, ठीक है, × 10^-2, बताओ ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और टी को बताओ कितना था 5 M1 रख दीजिए जरा पर, तो 5 M1 बराबर हो जाएगा 100, बताओ जो M1 वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 100 / 5, मतलब आ जाएगा 20 kg, कितना आ जाएगा, मतलब जो M1 मास है ये उसका वैल्यू कितना है 20 kg। हमको फिर यहाँ पे M1 फिर M2 निकालना है, तो M2 को कौन बैलेंस कर रहा है T2 बैलेंस कर रहा है, तो M2g, ठीक है, स्पीड वही रहेगा साउंड v बराबर टी रूट के अंदर टी बाई म्यू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, फिर यही चीज लिखेंगे 100 × 100 स्क्वायर कर दोगे तो टी को बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ये टी को हो जाएगा M2g, कितना हो जाएगा M2g, ये हो जाएगा टी, तो यहाँ रख दीजिए तो M2g, ठीक है, डिवाइड बाई म्यू, म्यू की वैल्यू कितना था बताओ 10^-2, 10^-2 की 1 0 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो M2g बराबर हो जाएगा 100 × 100 × 10^-2, ठीक है, ये -2 बताओ कट जाएगा ये, तो कितना बड़ा था जी को वैल्यू 10 होता है, तो M2 × 10 बराबर हो जाएगा 100, तो बताओ यहाँ से M2 वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, M2 वैल्यू आ जाएगा आपका 10 kg,
कितना आ जाएगा 10 kg, मतलब एम वन का वैल्यू आपका 20 kg और एम टू का वैल्यू 10 kg, मतलब ये जो वैल्यू है 10 kg का वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो 20 kg का, 10 kg का वैल्यू है 20 kg का, ये है आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। बढ़िया सवाल है ये, नीट में पूछा वाला सवाल नहीं, आईटी का सवाल है, लेकिन फिर भी करा देना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ट्रांसफर वेव का सवाल है ये, आज के सेशन का आखिरी सवाल, 2023 में पूछा गया सवाल है और सवाल 2 कौड़ी का है। 18 नंबर का द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल हार्मोनिक ऑफ द प्रोड्यूस बाई ओपन आर्गन पाइप, बताया था जब पाइप दोनों एंड पर ओपन हो, अगर उन्होंने बोला सेम लेंथ, क्या बोला है सेम लेंथ है ये आपका ओपन आर्गन पाइप, बोला है कि दैट ऑफ द हैविंग द सेम लेंथ ओपन आर्गन पाइप है। दूसरा बनाइए क्लोज आर्गन पाइप, मतलब एक एंड पर ओपन दूसरे एंड पर क्लोज, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोज आर्गन पाइप। दोनों सेम लेंथ के हैं, इसको आप मान लीजिए एल, दोनों सेम लेंथ के हैं ये, ठीक है। अगर है कि जो है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ, अभी बताया था हमारा पिछले क्वेश्चन में एफ वी वाई टू एल, वी वाई टू एल एफ वन मान लीजिए, ये किसके लिए है, ये है आपका ओपन एंड के लिए, ठीक है। क्लोज एंड के लिए लिखो जरा, क्लोज एंड के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे एफ टू, क्लोज एंड के लिए एफ टू वी वाई फोर एल होता है, वी वाई फोर एल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ओपन एंड के लिए होता है वी बाई टू ईयर, ये क्लोज एंड के लिए होता है वी बाई फोर ईयर, हमसे रेशियो पूछे हैं। अच्छा स्पीड तो कॉन्स्टेंट ही होगा साउंड का, लेंथ भी इन्होंने बोला है सेम है, जरा डिवाइड कर दो आप एफ वन को एफ टू से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमसे रेशियो पूछे हैं कि ओपन एंड पाइप टू द क्लोज पाइप, ओपन एंड से और क्लोज से डिवाइड कर दीजिए तो एफ वन अपॉन एफ टू, ठीक है, कितना आ जाएगा बताना, वी बाई टू एल, ठीक है, डिवाइड बाई वी बाई फोर एल, ये हो जाएगा आपका एफ वन अपॉन एफ टू। अच्छा सब वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा तो एफ वन अपॉन एफ टू, एफ वन अपॉन एफ टू बोल हो जाएगा टू डिवाइड बाई वन, तो जो रेशियो हो जाएगा टू इज टू वन, यही रेशियो पूछे हैं एफ वन अपॉन एफ टू का, तो जो रेशियो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट टू इज टू वन। 2023 में इसी लास्ट ईयर पूछा गया सवाल, इसी ईयर आया सवाल, सवाल में कोई दम नहीं, क्या दम है बताओ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, जब देखेंगे अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल